subscribe to our channel Sin TV HD Cooking Show and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां शेफ फैसल तां ॾिसो पिया कुकिंग शो में, त सभु ख़ैरियत सां हूंदा। मज़ेदार रेसिपीज़ तव्हांजे लाइ लिखी ठाहींदा आहियूं। शारजा कुकिंग ऑयल सां गॾु विटामिन ए ऐं डी खां भरपूर लो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 मौजूदु आहे। बनस्पति गिहु तमामु बहितरीन, काफ़ी मिठनि में पराठनि में असां यूज़ कंदा आहियूं, ख़ासिकर सियारनि में नीट हूंदी आहे। मलका फूड असां सां गॾु, मलका फूड में तमामु वसी रेंज आहे, जंहिंमें घर जे इस्तेमाल जा मसाला जी काफ़ी सारी वैरायटी, जेका असां कढ़ाई गोश आहे ऐं बिरयानी मसालो, कोरमो मसालो सभु वठी सघूं था। लूणु आहे हिन में, पिंक सॉल्ट आहे, हुनजे अलावा चिली गार्लिक सॉस आहे, केचअप, टोमेटो केचअप अवेलेबल आहे। एनएक्स असां सां गॾु आहे, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड बीटर, हैंड मिक्सर, हर शइ अवेलेबल आहे। एनएक्स तव्हां वठी सघो था, तव्हांजे साम्हूं काफ़ी सारी वैरायटी ठाहींदो आहे। एनएक्स मोट हूंदो आहे, एनएक्स जी हर प्रोडक्ट यूज़ कंदो आहे, जल्दी तव्हांजी कुकिंग थींदी। त तव्हां बि किचन में वठी रखो। अॼोकी रेसिपी ठाहियां पियो लाई, तिरनि जी लाई ठाहींदासीं ऐं हुन सां गॾु मूंगफली जी लाई ठाहींदासीं। मुरमुरा जेको चांवरनि जा हूंदा आहिनि, उनजा लॾूं ठाहिणु सिखंदमि, जेको सियारे में असां खाईंदा आहियूं। गुड़ सां गॾु बि ठाहींदासीं, शक्कर सां गॾु बि ठाहींदासीं। टई रेसिपी सुभाणे 12 वॻे रिपीट रहंदियूं स्क्रीन ते नंबर लिखे। का बि फरमाइश करणी हुजे नेक्स्ट वीक लाइ त उहो करे सघो था, ॻाल्हाए बि सघो था। आज की जो हम रेसिपी बनाएंगे शारजा कुकिंग ऑयल के साथ, वाइटामिन ए और डी से भरपूर, लो कोलेस्ट्रॉल है, ओमेगा 3 मौजूद है, बनस्पति की बेहतरीन मलका फूड हमारे साथ है। मलका फूड में तमाम ज़्यादा वसी रेंज है, जिसमें मसाले हैं और बहुत सारी इनकी प्रोडक्ट हैं, जिसमें बम्बई बिरयानी है, दाल है मसाले वाली, और इसके अलावा काफ़ी सारी वैरायटी है। एनएक्स हमारे साथ है, एनएक्स में जूसर, ब्लेंडर, चॉपर, हैंड मिक्सर वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। और आज की जो हम रेसिपी बना रहे हैं, मज़ेदार सर्दियों के हिसाब से गुड़ की जो गज्जक होती है, जिसमें मूँगफली की गज्जक भी कहते हैं या चिक्की भी कहते हैं, तिल की बना रहे हैं, मूंगफली की बना रहे हैं, और मुरमुरे के लड्डू जो बनते हैं गुड़ वाले, वो बनाना सिखा रहा हूँ। कल 12 बजे रिपीट चलेगा, स्क्रीन पर नंबर चल रहा होता है। कोई भी फरमाइश करनी, कुछ भी पूछना हो पूछ सकते हैं। रेसिपी कंदासीं स्टार्ट, लाई तिरन जी ठाहींदासीं, मूंगफली जी ठाहींदासीं, ऐं हुनजे अलावा चांवरनि जा जेका मुरमुरा हूंदा आहिनि हुनजा लॾूं ठहंदा, ठीकु आहे। जंहिंमां असां पीहों बि ठहंदा आहिनि, जंहिंमें पीहनि वारा इहे बिल्कुलु ईज़ीली मार्केट में मिली था वञनि, ऐं उहा हर शइ घर में बि मौजूदु हूंदी आहे। क्वांटिटी मां तव्हांखे डिटेल में ॿुधाईंदो वञा थो की असांखे छा छा हिन में एड करिणो आहे, ठीकु आहे। स्टार्ट कंदासीं, सभिनीनि खां पहिरीं असां ठाहींदासीं मुरमुरनि जा लॾूं, ठीकु आहे। मुरमुरे जा लॾूं ऐं लाई ठाहिणु शुरू कयो था। पहिरीं मूंगफली जी लाई ठाहींदासीं, तिरनि जी लाई थोरी आसान आहे त हू जल्दी ठही वेंदी। त मूंगफली जी लाई लाइ असांखे खपे 1 कप मूंगफली, यानी अधु पाउ थींदी, ठीकु आहे, आधा पाउ मूंगफली, और 1.5 पाउ हिन में 1.5 पाउ विझंदासीं गुड़। गुड़ जी शक्कर जेका हूंदी आहे, गुड़ जी मिठाई जेका हूंदी आहे उहो वठी वठो, या गुड़ खे तोड़े 1.5 पाउ कंदो, ठीकु आहे, सॉरी 150 ग्राम, 150 ग्राम गुड़ और आधा पाव मूंगफली है, ठीक है। ये दो चीज़ें हम पहले मूंगफली की चिक्की बनाते हैं, जो गज्जक भी कहते हैं। इसके लिए हमने एक पैन लेना है, और डिटेल में बताता जाऊँगा, हर चीज़ आपने नोट करनी है और उसी तरह बनानी है, ठीक है। इसके लिए हमने सबसे पहले लेना है बनस्पति घी, शारजा बनस्पति घी का इस्तेमाल करूँगा इसमें। शारजा बनस्पति घी हम कितना डालेंगे, 1 टेबल स्पून। गौर से देखिएगा, मज़ेदार रेसिपीज़ हैं, घर में बनाएं। अच्छा, ये आप ड्राई फ्रूट कोई भी यूज़ कर सकते हैं, चने भुने हुए चनों का ही बना सकते हैं। इसके अलावा आप बादाम का बनाएं, पिस्ते का बनाएं, काजू का बना सकते हैं, और चार मगज़ आता है उसका, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप उसका बना सकते हैं। मैं मूंगफली के और तिल की बना रहा हूँ, बाकी सेम तरीके का होता है। 1 खाने का चम्मच हम यहाँ पर भर के लेंगे शारजा बनस्पति घी, 1 खाने जो चमचो खणंदासीं शारजा बनस्पति घी, ठीक है। तिरनि जी लाई, मूंगफली जी लाई आहे, ऐं भुगड़नि जी लाई हूंदी आहे, जेके भुगड़ा मिलंदा आहिनि, ऐं काफ़ी सारी शयुनि जी लाई ठाही सघो था, जेको ड्राई फ्रूट तव्हांखे, काजू आहे, बादाम आहे, पिस्ता आहिनि, अखरोट जी जंहिंजी बि ठाहिणु चाहियो ठाही सघो था। हिते घी गरम थियो, हिन में असां विझंदासीं 150 ग्राम गुड़, पूरो 150 ग्राम आहे, ठीकु आहे। 150 ग्राम पिसा हुआ गुड़ डाल दिया, और गुड़ डालने के बाद इसको हमने करना है मिक्स, और मीडियम फ्लेम पर, हल्की आँच पर इसको मेल्ट करना है, ठीक है। ये खुद ब खुद हीट पर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा इस तरह। अच्छा, मूंगफली मेरे पास थोड़ी कच्ची है, तो इसको भी साथ साथ रोस्ट करते हैं, ठीक है। मूंगफली कच्ची हुई, छिलियल मूंगफली मिली वेंदी है कच्ची, अगर भुगल आए तो पो होता उनके छिले उनका छिलका हटाई वो। हे घी विधो 1 खाने जो चमचो बनस्पति घी, 150 ग्राम इनमें मां विधी है गुड़ जी शक्कर, यानी गुड़ जी मिठाई या पीठल गुड़ विझी छो, ठीक है। इसको आपने हल्की आँच पर मेल्ट करना है, जब ये मेल्ट होगा तब तक हमारी मूँगफली है यहाँ पर
आधा पाव मूँगफली है, ठीक है। ये पूरी आधा पाव मूँगफली है, एक कप बन जाता है, एक से सवा कप। इसकी क्वांटिटी मेजरमेंट हर चीज़ आपने सेम रखनी है, वरना क्या होगा कि ये चिपकेगी नहीं, वो वाली गजक नहीं बनेगी जो चिक्की बनती है, पीसेस होते हैं बिस्किट की तरह। ये हमने मेल्ट करना है गुड़ को, ठीक है। गुड़ के मुसलसल स्पून चलाएं दो, मुसलसल स्पून चलाते हुए गुड़ को आपने मेल्ट करना। देखें इसका कलर अब चेंज हो रहा है, ब्राउनिश टोन में आएगा। हल्की आंच कर दें, थोड़ी देर मैंने तेज़ की थी आंच ताकि जल्दी मेल्ट हो जाए। अभी ये बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जब तक हमारी मूँगफली भी रोस्ट हो रही है, मूँगफली को रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा काली ना हो जाए मूँगफली, हल्की उस पर रोस्ट करना, ठीक है। ये देखें गुड़ मेल्ट हो रहा है, स्पून चलाते रहेंगे और साथ साथ इसको भी चलाते रहते हैं ताकि मूँगफली आपकी जले ना, ठीक है, मूँगफली सड़े ना। इन चीज़ों का ख्याल रखो, हल्की बाहें थी इनकी भी सेकंदासी। अच्छा, ये सफ़ा हाँ लिक्विड ठंड शुरू थी, ठीक है, बिल्कुल लिक्विड बनना शुरू हो गया है। इसका दाना जब ख़त्म हो जाएगा, पानी की तरह होने लगेगा, घी ज़रूर डालना है एक खाने का चम्मच, ठीक है। ये मेल्ट हो रहा है गुड़, बिल्कुल खाने जो चमचो गर्म हूँ, अगर स्किन से ताने टच थे तो स्किन सड़ी वी फॉरन बर्न थी वी खले लही वी इलाही गर्म हों गुड़ तुम ख्याल रखना करो, ठीक है। गुड़ बहुत गर्म होता है, मेल्ट होने के बाद स्किन पे छींटे ना लगें। बच्चों को दूर रखिएगा जब आप नहीं बनाना है, बारन के परे रखो, ढी खतरनाक शी हूँ, हथ से लगे थी तो खले लही थी वने, ठीक है। एडी गर्म होंगी गुड़ जी लाई, ये बहुत एहतियात से आपने बनाना है। मूँगफली हमारी रोस्ट हो गई है, बस इसको मैं निकाल रहा हूँ। मूँगफली को यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा करते हैं, ठीक है। ये देखें इसमें झाग बन रही है, अच्छी तरह झाग बनेगी। इसको चेक करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह हमने करना है। इसको फैला देते हैं ताकि ठंडा हो जाए, बहुत ज़्यादा जले ना मूँगफली, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। अभी ये नरम हो गई है थोड़ी, खा के मैंने इसलिए देखी कि गर्म होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाती है जैसे मूँगफली हो जाती है, उसके बाद ये ठंडी होगी तो उसको डालेंगे। ठंडा पानी ले लें एक बॉल में, फिर दिखा जो, ठीक है। गुड़ को चेक करने के लिए इसमें से हमने सिर्फ एक से दो ड्रॉप लेने हैं, मैं बताता हूँ। थोड़ा सा स्पून में लेके इसको हम डालेंगे पानी में, पानी में डाल के इसको चेक करेंगे कि ये कितना हार्ड होता है, ठीक है, जमने के बाद। इनके पानी में विझण जो मकसद ये हो कि इनके चेक कंदासी, ये देखें ये अगर टूट गई इस तरह टक करके टूट रही है तो ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। और अगर ये थोड़ी खींच रही है रबड़ की तरह तो ये रेडी नहीं है, बस इसका ये तरीका होता है चेक करने का। इसमें से बाकायदा टक करके आवाज़ आ रही है, इस तरह आपने गुड़ को चेक करना है। ये हो गया, ठीक है। गुड़ के तां कीअं चेक कंदो, जॾहिं पिघरी वेंदो सफ़ा ब्राउन कलर, सड़े ना सफ़ा कारो ना थिए, ब्राउन कलर जो थधो पाणी खणी उनमें थोरो ड्रॉप विझिजो, हिकु सेकेंड खां पोइ हुनखे ॾिसजो, टक करे अगरि पीस टुटी थो वञे तयारु आहे, अगरि हीअं रबड़ वांगुरु खिचजे पियो त उहो रेडी नाहे, ठीकु आहे। वरी पोइ मज़ीद पचाइजो। अभी जितनी मूँगफली है रोस्ट की हुई इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। ये मैंने डाली और इसको जल्दी से चूल्हा बंद करके इसको मिक्स करेंगे, चूल्हो बंद करो, इनके मूँगफली के मिक्स करना शुरू कर देना। अच्छी तरह इसको इसमें फोल्ड करें मूँगफली को गुड़ में, अच्छा सा मिक्सअप हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम बनाते हैं, यहाँ पे हम घी ग्रीस कर देते हैं, ठीक है। घी लेते हैं थोड़ा सा, हाथ से ग्रीस करें, जिस चीज़ पे भी आप बनाएं उस पर घी ज़रूर ग्रीस करना है आपने। क्या होता है कि घी ग्रीस करने से चिपकेगा नहीं, ठीक है। ये हो गया, इसके बाद हमने ये जितना मिक्सचर है ये उतार देना है इसके ऊपर, मिक्स करके ये उतार दिया, ठीक है। हिला थो इनके कंदासी सेट, लेकिन ख्याल कजो कि गुड़ जो है तुम सड़े ना, वरना उनको कड़वाहट अची थी उन्हें अंदर, ठीक है। बेलन उठाएंगे, बेलन पे भी आपने घी लगा देना है हाथ से, अच्छी तरह घी लगा के और इसको बेलन से सेट करेंगे। थोड़ा इसको अभी ठंडा होने दें, ठीक है। अगर ये चिपक रही मूँगफली इसके ऊपर से हटाएं, इसको हल्का सा पानी लें, पानी से ठंडे पानी से हल्का सा, बिल्कुल गीला पानी नहीं डालिएगा, गीला करके हल्का सा इसको सेट करें। अब इसको इसकी मदद से आपने इस तरह रोल करना है, ठीक है। छुरी रखता हूँ साथ ताकि इसके किनारे हमारे जो टेढ़े हो रहे हैं वो सेट होते जाएँ। इन तरीके से इनके सेट कंदा वेंदो साइडन का दबाइंदा वेंदो वेलण से सेट करो, ठीक है। घी मुँह इन कर लगाया हुआ हेठ ताकि ही चिंबड़ी ना पाए। घी लगाने का मकसद ये था कि ये चिपके नहीं। अभी ये नरम रहेगा इस तरह, इसको आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसको हल्का हल्का रोलिंग करते रहें। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम,
हेलो, देखें ये अच्छी से यहाँ पे मैं इसको रोलिंग कर रहा हूँ ताकि ये सॉफ्ट है, इसको 2 मिनट छोड़ देंगे उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे, ठीक है। सेट यूँ कर दें साइडों से, ये इस तरह स्क्वायर में बना दें, लंबाई में बना दें जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है। थिक रख रहा हूँ थोड़ी, बहुत ज़्यादा पतला नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये होगी सेट, अब इसको 2 मिनट छोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें कट्स लगा देंगे ताकि कट्स अभी से नहीं लगाएंगे तो फिर आप तोड़ नहीं सकेंगे। इस तरह डीप कट्स लगा के इन तरीके से कट्स लगाईंदासीं, हथ न कटजे, इलाही आराम सां करणो ई कम, ठीक है। मैं हाथ थोड़ा क्लियर करूँ, हाथ मेरा स्लिप कर रहा है, घी लगा हुआ हाथ पे, ठीक है। इसको आपने नीम गर्म में ही कट लगा देना है, ठीक है। तेज़ छुरी से इस तरह कट कर दिए पीसेस, ताकि जब ठंडा होगा तो हम इसके बिस्किट्स की तरह चिक्की निकाल सकते हैं। कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है मुझे यहाँ पे वापस, ठीक है। इस तरह ये हमारे पीसेस हो गए हैं और इसको अब थोड़ी देर हम छोड़ देंगे ताकि ये सेट हो जाए। एक दफ़ा फिर इसके ऊपर रोलर चलाएं, ठीक है। ये अब ठंडा होगा जब तक हम सेकंड पे आते हैं, इनके इतने ही छंदासी। आपने 20 मिनट छोड़ना है इसको, वरना ये क्या होगा, अगर इसको नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये आपके बिल्कुल तोड़ेंगी तो टूट जाएंगे पीसेस, ये सख्त होगा, फिर इसको बाद में उखाड़ लेंगे। बिल्कुल सेट है ये अभी, ठीक है। इसको हमने 15-20 मिनट इसी तरह छोड़ देना। अगर इस तरह टॉप मार्बल टॉप होता है किचन में, उसको क्लियर करके उसके ऊपर करें। स्टील का थाल होता है आटा गूंदने वाला, उल्टा रखें, उसके ऊपर ग्रीस करके उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो चॉपिंग बोर्ड है या बेलन पटला होता है उसके ऊपर भी कर सकते हैं इस तरह ग्रीस करके, ठीक है। अगर ही टेबल टॉप ना है तहाँ, यानी मार्बल न लगल है, तो है ना तहाँ इनके जो असा अटो गुण जो थाल हों स्टील जो उबतो कर सिल्वर जो स्टील जो उनके मथा ग्रीस कर उनके मथा भी कर सो प्रोसेस जी। कॉल वो था। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। जी जी अफशा। हाँ कल बेटा भूल गया था, समय टाइम कम था ना, तो रेसिपी मुझे जल्दी बहुत काम था आपका। कौन सी यखनी अभी बताएं, मैं बता दूंगा। वो जो पेशाब बिल्कुल पीले कलर की जो होती है, खमीर वो तो कल आपने खमीर आटा क्यों, मतलब किस लिए आपको? रोटी बनाते हैं ऐसे, फिर आपने रोटी बनाई, हमने आटा गूंदा, फिर कल तक चल जाएगा वो। हाँ हाँ, तीन चार दिन चल जाता है उसको बिल्कुल आराम से। आप हल्का सा घी का हाथ लगा के रखा करें तो वो पैक करके उसको रख दें, खराब नहीं होगा, ठीक है। तीन चार जी वाला। क्या चीज? कीमे का स्टू, ठीक है बेटा, मैं नोट कर लेता इंशाल्लाह सिखा दूँगा। अभी मैं बताता हूँ, आप टीवी की तरफ जाए, मैं बताता हूँ। अच्छा, सेकेंड हम आते हैं, सेकेंड हम क्या बनाएंगे, दूसरा पैन लेते हैं हम, यही सेकंड बनाएंगे दूसरे पैन में चीनी से। हाने इतने ठाईंदासी तिल वाली जो बनती है उसको चीनी से बनाएं। जो गुड़ से बनेगी वो मूंगफली है, चने हैं, बादाम है, पिस्ता है, काजू, अखरोट, ये आप इससे बनाएं। और जो तिल वाली हम बनाएंगे उसको हम चीनी से बनाएंगे, ठीक है। ये अभी भी सेट नहीं हुई, ये नरम है, इसको आपने छोड़ दिया। जब भी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ठंडी हो जाएगी फिर मैं इसको उठाऊंगा। यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, अब हम बना रहे हैं तिल वाली गजक, ठीक है। तिल की चिक्की भी कहते हैं और गजक भी कहते हैं। तिरन जी लाइट आयो था इन लाइ असा खणंदासी, उते मां घी खयो, इन में असा बटर विझंदासी, मक्खण घणो, 3 खाने जा चमचा, 3 टेबल स्पून बटर, 1, 2 3 टेबल स्पून बटर ले लिया, ठीक है। 3 खाने जा चमचा मक्खन, ठीक है। बटर जैसे मेल्ट होगा, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, ओके। यहाँ पे हमने जैसे बटर मेल्ट होगा, इसमें हम डाल देंगे 1/4 कप चीनी। चीनी को नाप के आपने डालना है, 1/4 कप चीनी डालनी है, ठीक है। अच्छा, ब्रेक पे जा रहे हैं, चूल्हा में बंद कर रहा हूँ, ब्रेक पे जा रहे हैं, चूल्हो बंद कर छोड़ो, ताकि ब्रेक खा पहुंची ताकि हे वाली रेसिपी सेकंड वाली मैं बुधाइन सिखादम। बट उतर की शॉर्ट ब्रेक, ब्रेक खा पहुंची कंटिन्यू करना।
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक ते हुन खां पहिरीं तव्हां साम्हूं जेका लाई ठही उहो मां खायां पियो, मज़ेदार ठही आहे। हिनखे कढूं था अञा, मूं कढी ॾिठी त अञा थोरा हिन जा पीसिस नरम आहिनि, ठीकु आहे। मैंने तोड़ी तो इस तरह के देखें पीसिस बन रहे हैं। ये सॉफ्ट है अभी क्योंकि ये गर्म है, ठीक है, ये गर्म है, ठंडी होगी और अच्छी हो जाएगी, सेट हो जाएगी। अभी इसमें देखें तारे बन रही है, लेकिन बहुत मज़े की बनती है। अभी थोड़ा इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, तिल, एक कप तिल लिए, ठीक है। तिल जो है इसको हल्का सा रोस्ट करते हैं, ठीक है। तिल को हल्का सा रोस्ट करेंगे यहाँ पे, और साथ ही 3 खाने के चम्मच मक्खन मेल्ट करेंगे, बटर। इसमें हम डालेंगे चीनी। बटर जैसे मेल्ट हो गया, मक्खन खाए और 3 खाने जा चमचा, इनमें 1.25 कप असा विझंदासी खंड, 1.25 कप खंड विधी, ठीक है। 1.25 कप खंड विझण का पोए इनमें भी चमचो हलाइंदासी, इन खंड के मेल्ट कबो कैरामेल ठांदी, ठीक है, लाई लाई। 3 खाने के चम्मच मक्खन डाला, तिल 1 कप हमने यहाँ पे रोस्ट किए, और यहाँ पे चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, कैरामेल बनेगी, तो चीनी को भी इसी तरह तिल मिला के निकाल लेंगे, ठीक है। हल्की आंच पे करना है ताकि चीनी जले भी ना, जलेगी तो फिर वो लुक नहीं आएगा उसका, ठीक है। और ये अभी थोड़ी सख्त है, इसको फिर बाद में निकालता हूँ आराम से ताकि सेट हो जाए। उसके बाद हमने क्या करना है, इसमें तिल मिला दें। ये देखिए चीनी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई, और फरमाइश इन आई पे इन करे ठाई है, जो कुकिंग न कई अभी ये शूँ ठाई था सियारे के हिसाब से। ये अच्छा, क्वांटिटी पंजे हिसाब से जितनी आए इनके डबल कौ तो ठी। 1 कप अगर तिर आन या 1 कप मूँगफली है तो 150 ग्राम गुड़ विधो, अगर जी 2 कप आन तो 300 ग्राम या डबल कह वो, ठीक है। कॉल लेते हैं, असलम। वालेकुम सलाम सर, क्या खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है भाई, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं यासिर बात कर रहा हूँ, कौन फरगोदा से। जी सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा है आप? सुना खैरियत सर? अल्लाह का शुक्र है, कोई फरमाइश है आपकी? सर असल में मैंने बर्गर का रेडी लगाया हुआ है पिछले दो महीने से ना, ठीक है। तो फिर जो है बर्गर का सेल मेरा बहुत कम हो रहा है। अच्छा, शिकायतें भी कर रहे हैं ना? शिकायत कैसे? बर्गर सही नहीं बना रहे हो आप, ठीक है। तो इस हवाले से मैंने कहा आप कुछ हमें तरीकेकार बता दें। चले आप यूं करें, मेरा पेज है, ठीक है, कुकिंग विद शेफ से मेरा पेज है, आप वहाँ मुझे मैसेज करें, फिर मैं आपसे वहाँ बात करता हूँ। ओके सर, फेसबुक पे कुकिंग विद शेफ फैसल, ठीक है। ठीक, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर मैं आपको पूरी डिटेल बता दूँगा किस तरह करना है। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको मेल्ट करना, चीनी थोड़ा टाइम लेगी कैरामेल बनने में, बटर हमने इसमें डाल दिया, ठीक है, मक्खन इनमें विझी छो, खंड थोड़ा टाइम वी, इन कर खंड के चंगी तरह असा कंदासी। इनके छाते विझंदासी, इनके असा विझंदासी चॉपिंग बोर्ड पे, ठीक है। इसको चॉपिंग बोर्ड पे कर लेते हैं ताकि दोनों तरीके आप देख लें। चॉपिंग बोर्ड को भी हम ग्रीस करते हैं, यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब ये मेल्ट होना शुरू हो रही है चीनी, थोड़ा टाइम लेगी लेकिन हो जाएगी। अभी ब्राउन शेड में आ रही है, कैरामेल बने। अच्छा, इसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा जाएगा 1/4 चाय का चम्मच, ठीक है, 1/4 चाय जो चमचो बेकिंग सोडा या मीठी सोडा विंदी। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह जो शुक्र है, तमाम दया चालन। हां आई तन खाई बस पसंद खाई था, आज तन ट्राई करला है। हेलो, जरूर ट्राई कर जो। हां तन जो खाई था तन जरूर ट्राई कर, मसाला जरूर कर दो। थैंक यू। हां आज गुहा जा से निकली जी, मूंगफली जो हाँ तिरन जो ठाया पो जी जी अच्छा हलो ठीक है तमाम घड़े मेहरबानी खोड़ सारो ख्याल रखो ठीक है थैंक यू फॉर कॉलिंग अल्लाह हाफिज अच्छा यहाँ पे हमने चीनी को मेल्ट किया ठीक है चीनी को मेल्ट करना शुरू कर दिया जब ये चीनी मेल्ट होगी बटर के साथ अगर बटर नहीं तो घी में भी कर सकते हैं बटर से थोड़ा तिल का टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है गुड़ का टेस्ट अपना होता है ये चीनी है तो इसलिए इसमें मैंने बटर ऐड किया ठीक है मक्खन इन करे विधो थोड़ो अच्छा मक्खन टिक्की वो जो मार्केट में मिलो वो खणजो घर वो जो मक्खन असा ठाई वो न विझो ठीक है वो क्रीमी थी वो थोड़ा न तो घी बनस्पति घी जी खैरपुर से कॉल लेते हैं असलम भावलपुर से कॉल लेते हैं असलम अलैकुम अस्सलाम वालेकुम।
अलाह जो शुक्र है तव्हां ॿुधायो छा हालु आहिनि मूरीन जो हलवो मथे हफ़्ते में आहे अदी ज़रूरु ॾिसजो हलो जी 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 हलो ठीकु आहे अदी तव्हांजो सलाम पुॼी वियो सभिनीनि जंहिंजो ॾिठो हूंदो इनशाला मथे हफ़्ते ॾिसजो मूरीन जो हलवो आहे ठीकु आहे गजरनि जो ऐं मूरीन जो हलवो ओके जी अला हाफ़िज़ बच्चा तंग कर बात नहीं कर पा रही है अच्छा यहाँ पे चीनी को देखे मैं हिलाता जा रहा हूँ एक कैरामेल बनना है ठीक है खंड टे खंड जो चमचा मक्खन टिक्की वारो या घी विझी छो उनका पोहन में सवा कप असा इनमें विधी है खंड ठीक है सवा कप चीनी डाली और ये देखें इसका कलर गुड़ की तरह गोल्डन सा हो रहा है ठीक है ये कैरामेल बन रहा है इसमें हमने डालना है क्वार्टर टी स्पून मीठा सोडा या बेकिंग सोडा उससे क्या होता है कि इसमें झाग बनेगी और ये फूलना शुरू हो जाएगी चीनी ठीक है गुड़ तिल हमारे एक कप या सवा कप भी ले सकते हैं एक कप या सवा कप के करीब तिल हैं और एक से सवा कप चीनी चीनी मेल्ट होगी अभी भी इसको थोड़ा और मेल्ट करेंगे तेज़ नहीं करना है चूल्हा थोड़ा अपने हल्का रखना है ठीक है वरना चीनी जलना भी शुरू हो जाती है जलने से उसमें कड़वाहट आती है ये आ गया कलर अब इसमें डालेंगे क्वार्टर टी स्पून हम मीठा सोडा मीठा सोडा डालने से आप देखेंगे चीनी फूलना शुरू हो जाएगी ये देखें इसका टेक्सचर चेंज हो गया है ॾिसो खंड में मीठी सोडा विधि सफ़ा चिपटी ब विझिजो ठीक है वधीक ना दो चुटकी जितनी डाली है चूल्हा बंद कर दिया और ये फूल गई चीनी इस तरह फुलाना है चीनी को ठीक है जब ये चीनी फूलेगी चूल्हा बंद कर दिया चूल्हा बंद करने के बाद इसमें वाइट तिल जो हमारे पास थे एक से सवा कप वो मिला देंगे ठीक है इसको करेंगे मिक्स चूल्हे से हटा के ये खुद ब खुद झाग सी बन गई झाग बैठ जाएगी अब इसमें तिल मिक्स कर दिया इसको सेट होने दें दो मिनट में ये झाग नीचे आ जाएगी ठीक है ये देखें झाग हटती जाएगी तो खुद ब खुद तिल नज़र आना शुरू हो जाएंगे इस तरह फूकने से क्या होगा इसकी जो इस वो झाग फूल रही है वो ख़त्म हो जाएगी ठीक है मीठे सोडे से ही फूलती है चीनी तो इस तरह होगी ये देखें अब कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर टेक्स्चर नज़र आ रहा है अच्छी तरह घुमाएं ये खुद ब खुद सेट होना शुरू हो जाएगा कॉल बैठूँ तो अस्सलाम वालेकुम मैंने बंद रख दिया हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम क्या है बिल्कुल ठीक ठाक कौन हो कहाँ से बात कर रहे हैं हम न्यू से बात करें भाई जी जी कुछ कहना चाहेंगी जी हम यही कहना चाहेंगे कि तूने जो किचन में जो बनाते हो ना ठीक है वो हम बनाते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया कौन से सिटी से बात कर रहे हैं जी कौन से शहर से बात कर रहे हैं हम न्यू से तो बात करें खैरपुर नाथन शाह ठीक है कोई फरमाइश है आपकी नहीं खैरपुर नाथन शाह नहीं न्यू सैदाबाद अच्छा फैसलाबाद से बात कर रहे हैं ठीक है ठीक न्यू सैदाबाद न्यू सैदाबाद जी हाँ अच्छा अच्छा चलें ठीक है कोई फरमाइश जी हाँ हाँ मुझे पता है न्यू जी जी भिक्षा के पास है ठीक है समझ गया भिक्षा के पास है भाई ठीक है आपकी आवाज़ असल में क्लियर नहीं आ रही थी ना तो इसलिए मैं पूछ रहा था अच्छा भाई मैंने कहा आज कॉल लगा के तो कुछ लगी नहीं रही थी माशाल्लाह लग गई कॉल इसलिए मैंने बात की चलें बहुत बहुत शुक्रिया कोई फरमाइश करनी है कुछ पूछना है तो बता दें गाजर का हलवा गाजर का हलवा मूली का हलवा और अखरोट का हलवा ये नेक्स्ट वीक बनेगा तो आप लोग देखिएगा और अंजीर का हलवा बनाऊंगा ठीक है कल बनाएंगे नहीं नेक्स्ट वीक कल तो मेरा ऑफ है ना अब जो मैं रात को आऊंगा तो तब शुरू करेंगे बनाना ठीक है अच्छा ठीक है हम जरूर देखेंगे हम तुम्हारा प्रोग्राम देखते हैं मगर जो लाइट नहीं होती है ना बिजली नहीं होती है उसके लिए हम देखते हैं चलें ठीक है अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा थैंक यू अल्लाह हाफिज़ रिपीट में देख लीजिएगा 12 बजे रिपीट चलता है जी ठीक है ओके अच्छा इसको मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ इसको सेट होने देते हैं उसके बाद ये जब थोड़ी सेट हो जाएगी जगह छोड़ना शुरू हो जाएगा तो इसको फिर हम निकाल लेंगे ठीक है अब हम आएंगे थर्ड क्या है मुरमुरे ये मुरमुरे हैं इसके लिए भी चाहिए 150 ग्राम गुड़ पिसा हुआ और 3 कप ये चावल के होते हैं मुरमुरे बने होते ठीक है ये हमें 3 कप ले लेना है और इसमें भी इसी तरह घी डालेंगे उसको भी तैयार करते हैं इनके छा कंदासीं हिते खणंदासीं गुड़ इनमें भी विझंदासीं 1 खंड जो चमचो असां घी बनस्पति घी 1 टेबल स्पून ठीक है
जैसे ये मेल्ट होगा इसमें डाल देंगे गुड़ 150 ग्राम, ठीक है। इसमें हमने डाल दिया गुड़, इसको दूसरे स्पून से चलाते हैं, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ी अब सेट हो गई है, ठीक है, इसको भी फैला देंगे यहाँ पे। अगर चीनी से बनाना चाहें तो चीनी से, ये गुड़ से बनाना चाहें तो गुड़ से ही बनती है, ठीक है, मैंने चीनी से बनाई है। ये देखें इसको इस तरह डाल के, और जो बर्तन होते हैं चिपक जाता ही है तो उसको गर्म करके फिर आपने निकालना है, ठीक है, ऐसे खुरचना नहीं है बर्तन को, ठीक है। जडे तां ठाई दो इनके, जडे धोई दो थान के गर्म का जो पानी विझी तब इनके तां धोई दो, ठीक है। इनके सेट कर कॉल वठू था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अदा, फैसल क्या होता? जी जी गलाया पियो दी अदा फैसल परमा से तां लाई था या मेहरबानी। अच्छा तां जी फरमाइश हुई, हेलो मेहरबानी दी कॉल की ना ना मंदिर सरी का गाना है तो थोनी। जी जी अदी हाने ही दिस जो ठाई पे मुके बुधाई जो की लगी तां के, ठीक है जी अदा जी। हेलो ठीक है, पंजो ख्याल रख जो, थैंक यू। हेलो इसको मैंने ऐसे ही फैला दिया, इसको बेलन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बेलन की जरूरत ना इनके छाकर था इनके ये फैल जी भैया है, ठीक है, ऐसी फैल गई। इसको छोड़ देंगे अब 10-15 मिनट बाद, जब आप देखेंगे थोड़ी सेट हो जाए, थोड़ी मीडियम सॉफ्ट हो जाए तो फिर इसमें कट्स लगा देंगे, ठीक है। ये थी भाई आने हिते, ब्रेक में कितनी देर है मुझे, ठीक है फिर ब्रेक के बाद थर्ड रेसिपी करेंगे, ठीक है। बहुत ईजी है रेसिपी, इसको मैं मेल्ट करके फिर छोड़ दूंगा, फिर ब्रेक के बाद हम ये वाला बनाएंगे ताकि आप लोग इसका भी प्रोसेस देख सकें। और इसमें कोई सोडा वोडा नहीं जाएगा, ठीक है। 150 ग्राम यहाँ पे हमने लिया है गुड़, गुड़ को तोड़ के ग्राइंड करके डालें या पिसा हुआ आजकल मिल रहा है। 150 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह हल्की आंच पे, पहले तेज़ आंच में इसलिए करता हूँ ताकि मेल्ट हो जाए, आप लोगों ने हल्की आंच पे करना है क्योंकि मुझे टाइम के हिसाब से रेसिपी निकालनी होती है। कॉल लेते हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, साईं कह रहे हैं कि तंगला पे सर, खैरियत आप सुनाए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। कौन से सिटी से बात कर रहे हो, कौन बात कर रहे हैं? इरफान अली खास कर मदे जी से बात कर रहा हूँ, जिला शिकारपुर से। जी जी कुछ कहना चाहेंगे? जी हमें ये गाजर का हलवा करीब, मेरे भाई गाजर का हलवा नेक्स्ट वीक बनाऊंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीक गाजर का हलवा बनेगा, ठीक है ओके। ये देखें ये गुड़ है, इसको मेल्ट कर रहा हूँ और इसको अब चेक करते हैं, इनके हाँ चेक किया था, इसको साइड में रखते हैं, ब्रेक के बाद में बनाऊंगा। ये भी सेट हो गया, इसको भी अब निकालते हैं और इसको मैं चेक कर रहा हूँ हाथ से, ठीक है। अब इसमें कट्स लगाएंगे, हाँ इनमें कट्स हणी चढ़ो, ठीक है, इस तरह जितनी बड़ी आपको चिक्की बनानी है, ये देखिए इस तरह इसमें कट्स लगाएं। कॉल बैठू था, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलामकुम अदा। वालेकुम अस्सलाम जी, अदी कह रहे हैं कितना गलाया प्या अदा काम ले नहीं को ना सी आना निशास के बारे जी अदी की है, ठीक है जी जी अदी बिल्कुल ठीक था। ता जो निशास तो न ते मु कोन ठावे समय ते कराची में मिले ही ना पियो, निशास तो मैं काफी जगह उन ते चेक कयो है अदा। अयो मु जो निशास तो ना कण कयो निशास तो ना ना कणक जो निशास तो खबर है दी, इतने कराची में असल में काफ़ी जगहों से मैं पूछो ये मिले ना पियो, हाँ मुख्य एम्प्रेस मार्केट में ढिसणो पवन उत्त मिलन आयो मुख्य लगे तो इन पास तो घर में भी ठाईंद निशास्तो कणक जो, लेकिन ठाण दुख है ना, इतने टाइम एडो ना हो, वरना तो ठाण भी सिखारे वा वर्बली सिखारंदम तो केर ठाई ना सकंदो। जी अदी मां अल्लाह जो शुक्र, ठीक है। प्रोग्राम दिसो पिया? हां दिसां पई है, माशाल्लाह सुठो बैठा है लाइव। हां लाइव सुठी बैठा है, तां जो प्रोग्राम माशाल्लाह होई सुठो है। मेहरबानी तमाम तां के कीमो मटर चयो हो, कीमो मटर इंशाल्लाह मथे हफ्ते मोट लिखेल है डायरी में, इंशाल्लाह मां ठाईंदम मथे हफ्ते, ठीक है इंशाल्लाह जरूर जरूर बेफिक्र थी जरूर ठाईंदम, पायो ख्याल रखो, लाफिस। ये देखें इसको मैंने कट्स लगा दिए, इसको भी छोड़ देना आधा घंटा है, इसको छेड़ना नहीं है। ये देखें कट्स लगा दिया है, बिल्कुल सही से कट्स लगा के इसको आधा घंटा आपने छोड़ना है, जब भी रूम टेम्परेचर पर ठंडा होगा फिर इसको आपने तोड़ देना है, ठीक है, निकाल देना है स्क्रैपर से किसी चीज़ से तो ये निकल आएगा। शॉर्ट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आके मुरमुरे के लड्डू कैसे बनते हैं वो बताऊंगा, वट होता है कि शॉर्ट ब्रेक ब्रेकअप हो चुकी कंटिन्यू करेगा। Thank you.
वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक करण का पहिरीं तव्हां साम्हूं जेको गुड़ मां विधो हो पोइ मां चूल्हो बंदि करे छॾियो, हो थोरो हार्ड थी वियो, वरी उनखे मेल्ट कयूं था। ठीकु आहे, गुड़ को दोबारा मेल्ट करते हैं क्योंकि चूल्हा मैंने बंदि कर दिया था। और अब हम क्या करेंगे, मुरमुरे के लड्डू बनाएंगे। ठीक है, मुरमुरे मुरमुरे होते हैं ये, चावल के बनते हैं, पफ भी कहते हैं, राइस पफ ना। अच्छा, ये हमारी ठंडी हो रही है, जैसे हमारा गुड़ मेल्ट होगा यहाँ पे, गुड़ को मेल्ट करते हैं। तो इसमें हमने क्या करना है, डाल देने हैं मुरमुरे 3 कप। ठीक है, 3 कप हे खणंदासीं राइस पफ जेका हूंदा आहिनि। ऐं हे ॾिसो, हे असांजी थी वियूं आहिनि तयारु लाई, जो थोरी नंढियूं निकितियूं आहिनि इस तरह के, ये चिकी बन जाएगी। ठीक है, इसको आप छोटे बड़े पीसेस में जिस तरह करना चाहें तो ये आप काट सकते हैं इस तरह। ठीक है, ये देखें, छोटे पीसेस में मैंने काट के निकाल लिए, आप बड़े पीसेस में भी कर सकते हैं, छोटे सही होते हैं बाइट्स में, तो वो आराम से आप खा सकते हैं। ठीक है, इस तरह दिखा दिए ये, तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब हमारा गुड़ मेल्ट होगा, जैसे गुड़ मेल्ट होगा इसमें हम मुरमुरे डाल देंगे। ठीक है, थोड़ा सा घी और डाल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा हार्ड हो गया था। ठीक है, ये जी नरम थी, इनमें छाछा विधो, एक खंड जो चमचो बनस्पति घी, और उनसे गड़ गुड़ विझी छोड़ो पीठल, गुड़ पीठल विझण का पोइ इनके नरम कंदासी। अब ये गुड़ नरम होगा, और जैसे गुड़ नरम होगा इसमें हमने राइस पफ डाल देने, यानी मुरमुरे जो चेवड़ा बनता है। ठीक है, ये हर शॉप पे, ड्राई फ्रूट की शॉप पे मिल जाते हैं। सो हाँ ही मेल्ट थे पो, जी मेल्ट थी तो इनमें मुरमुरा जंदासी, पोइ इनके मिक्स करे कढ़ी वठंदासी, इसको मिक्स करके निकालेंगे। और ये आप क्या करेंगे कि हाथ को गीला करके फिर आपने बनाना है। ठीक है जी, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेठे जी मिठाई, अच्छा मैं कोशिश कंदम, असल में वो हिते जल्दी नथी ठही सके, उनके चूने जे पानी में पिसाइणो पेंदो, पो भी मैं कोशिश कंदम, कुछ प्रोसेस मैं पहले करे रखा, कुछ पो तांके लाइव करे बुधाया ना। अच्छा हलो, ठीक है ठीक है, मैं नोट करे तो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, मैंने चूल्हे से हटा दिया क्योंकि ये हार्ड हो गया था, तो मैंने दोबारा हटा दिया। ठीक है, ब्रेक पे चले गए थे मैंने, इसलिए हाथ रोक दिया ताकि आप लोगों को बता सकूं, आप लोग फौरन फौरन आपने बनाना है। जैसे ये गुड़ मेल्ट हो गया, 150 ग्राम एक खाने के चमचो घी गरम कयो, एक खाने के चमचो घी गरम कयो, उनमें 150 ग्राम असां विधो गुड़, गुड़ विझण खां पोइ इनखे कंदासीं मिक्स। मिक्स हो गया, अब इसको अच्छी तरह पूरा ये इस तरह बिल्कुल हो गया, इसमें हमने डाल देने हैं मुरमुरे। शक्कर से कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। छाले नदी के भाई, ये तरह का तिरन की लाई खाई यार जी। यदि इन्हें में तरह खंड भी दिया, आपको गाड़ी से नजर आते कारी छोती नजर आ चे, उनके मां मिठी सोडा विधि त उनके दहते शायद स्क्रीन ते ताके कारी नजर नहीं होनी, ब्राउन कलर है जी, कैरामेल कलर होंदो है ना, मां सोडा विजी थोड़ा इनके डार्क कयो है। अच्छा अच्छा, हां पंजीरी करे दा पुछाए, तंदूरी छा पंजीरी, पंजीरी पंजीरी इंशाल्लाह मथे हफ्ते ठाई देंदम तांके। अच्छा ठीक ठीक, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छी तरह मिक्स करें, 3 कप थे। ठीक है, चंगी तरह इनके मिक्स कंदासीं, मिक्स करे फौरन फौरन हथ ते थदो पानी लॻाईंदो, इनखे असां इनजा ठाहींदासीं बॉल्स। ठीक है, ये देखें, इसको हमने मिक्स किया, मे बी आपको ये तिल वाली जो गजक है ये डार्क नज़र आ रही हो, बाज़ दफ़ा कलर्स का भी होता है स्क्रीन का, तो इस वजह से ये बिल्कुल परफेक्ट कलर है इसका, अगर आप सोडा नहीं डालेंगे तो उसमें वो फिर वाइट रहेगी। ठीक है, मैंने थोड़ा ब्राउन शेड में कर दिया इसको, ये थी वो असांजो, इसको अच्छी तरह मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इसको चूल्हे से उतार के यहाँ रखते हैं। ठीक है, और अब क्या करेंगे, हाथ गीला करते हैं, ठंडा पानी लें क्योंकि ठंडे पानी से हाथ गीले करेंगे वरना आपका हाथ जलेगा। इसको थोड़ा थोड़ा उठाते जाएं, अना एक मिनट छोड़ूँ था वरना सफ़ा हाथ सड़ी ही। ठीक है, 1 मिनट छोड़ते हैं वरना आपका हाथ जलना शुरू हो जाएगा। इसको इस तरह मिक्स करें, लेकिन गर्म होता है हाथ आपका जले ना, ये बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, बहुत एहतियात से कॉल बैठूँ था। असलम वालेकुम। वालेकुम जी साईं, कह रहे हैं कितना गला पाया साईं, कबक शर्मा दा गलाई साईं, खुशाल अल्लाह जो शुक्र है, कुछ चाहिए चाहिंदो साईं, कदे लोकी हलवो भी ठान सिखारे सर, लोकी जो हलवो मैं ठाई चुको है, शायद ता का मिस थी वे होंदो, वरी मैं कोशिश कंदम ठाई सिखादम। ठीक है सर, ते में जो शॉर्ट प्रोसेस आ जे की तवा मुंगेरन जी लाई ठाई करो, छाजी छाजी लाई
सर मुंगेरा जी लाइट आया हूं ना वो क्या होता है वो छाछ ही होती है साईं देखो पेरो खायो वाले मूंगफली मूंगफली सर हाने तो ठाई है ता शायद हाने डिठी ना है साईं मां इमन को बुआया तो प्रोसेस वगैरह चलो सुबह जो रिपीट में रिसीवर जो सुबाने ठीक है 12 बजे जी जी साईं ठीक थैंक यू ये देखें इस तरह ये मुरमुरे के बॉल्स हाथ आपने ठंडे पानी से गीला करना है ताकि हाथ पे ये चिपके भी ना और आपको जले भी ना हाथ अंदाजे से मैं बहुत बड़े बॉल्स बड़े मिलते हैं बड़े ना बनाए वो जब हम खाते हैं तो उसके पफ्स ये टूटना शुरू हो जाते हैं ठीक है तो मैं छोटे बना रहा हूँ ताकि इस तरह छोटे बना के आप घर में रखें और बच्चे भी खा सकते हैं आप भी खा सकते हैं ठीक है इन तरीके से अहे ईजीली मिली तो उन्हें ड्राई फ्रूट वाली शॉप से हर जगह मिलन था थदो हुए पानी ताकि तुझे हथ ना सड़े अब मेरा हाथ जल नहीं रहा ये इस पर बिल्कुल बस इस तरह प्रेस करते जाएं ये देखें लड्डू बनते जा रहे हैं फिर हाथ उठाया गीला किया हाथ और अगर आपको लगता है ठंडा होना शुरू हो गया तो फिर हल्का सा इसको चूल्हे पे रखें ये दोबारा थोड़ा सा गर्म होगा ठंडा नहीं होने दीजिएगा वरना बिल्कुल चिपक के और तेज़ तेज़ ये काम करना है ठीक है ये देखें अगर स्क्वायर में बिस्किट्स बनाने तो इसको ट्रे पे फैला दें ऊपर से सेट करें स्पून से और कट्स लगा के वैसे ही छोड़ दें ठंडा पानी साथ साथ ले रहा हूँ कॉल बटूँ था अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं अल्लाह का शुक्र है और माशाल्लाह आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इतने जबरदस्त चीज बन रही है दोनों अच्छा। सारी चीजें बहुत जबरदस्त बन रही है और स्पेशली जैसे कि आपने भी सिल्क के बनाया सिल्क का एक व्हाइट सा होता है वो कैसे बनता है व्हाइट भी सेम यही होगा असल में मैंने सोडा हाँ। डाला ना तो इसको ब्राउन शेड दिया है आप इसको व्हाइट करेंगी तो फिर चीनी को मेल्ट हल्का सा करके ना बस इसमें डाल दीजिएगा अच्छा ओके अच्छा दूसरा ये कि ये जैसे अभी आप इसको बना रहे तो यानी हम लोग अगर हमारे जहन में था कि ये जो लड्डू बनेंगे तो इसमें तेल लगा के लेकिन जाहिर है तेल हाथ पे लगाएंगे तो गर्म है तो असल में इसको ना हाँ गर्म गर्म प्रोसेस करना होता है वरना वो गुड़ चिपक हाँ। के ना हार्ड हो जाएगा तो इसलिए ठंडे पानी से करेंगे ना तो हाथ भी नहीं चलेंगे और ये बन जाएंगे हाँ, इस पे जैसे ठंडा पानी लगेगा तो ये एकदम हार्ड होना छू जाएंगे बॉल्स आपके ना अच्छा अच्छा जी जी ठीक है थैंक यू अल्लाह हाफिज अच्छी तरह प्रेस करना ताकि खुले ना चंगी तरह इनके घुमाइण है खुले ना ठीक है सुठा ठान पिया इस तरीके से बनाते जाएं जल्दी जल्दी करना ये प्रोसेस वरना आपका लड्डू जो है वो जम जाएगा मसाला फिर आपको दोबारा गर्म करना पड़ेगा इस तरह की और भी चीज़ें हैं बहुत सारी इंशाल्लाह बीच में फिर बनाएंगे और नेक्स्ट वीक भी मज़ेदार रेसिपीज़ हैं सर्दियों के हिसाब से अच्छा हाँ अफशा ने कहा था यखनी के लिए आपने 1.5 पाव जितनी चिकन ले लें हड्डी वाली या गर्दने ले लें ठीक है उसके बाद आपने उसमें डाल देना एक छोटा प्याज छोटा सा साबित छील के डाल दें और गाजर एक काटें उसके 2-3 पीसेस करके एक बड़ा गाजर उसके 3 हिस्से में काट के गाजर डालें गाजर से हीक ख़त्म हो जाती है 2 जवे लहसुन के एक छोटा सा हिस्सा पीस आपने अदरक का डालना है ठीक है उसके बाद हल्दी उसमें डाल देनी है आधा चाय का चम्मच नमक 1 चाय का चम्मच और उसको उबाल लें 40 मिनट बाद चूल्हा बंद करके उसमें फिर काली मिर्च नमक अपने काली मिर्च वगैरह डाल के उसको आप फिर पिए ठीक है मज़ेदार यखनी बन जाएगी कॉल लेते हैं अस्सलाम वालेकुम हेलो जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई जी फैसल बात कर रहा हूँ जी अदी छा हाल आहिनि तव्हांजा अदा बिल्कुल ठीक जी कुछ अदा जेको तव्हां अॼु उठाए रहिया आहियो छा शइ तिरनि जी लाई आहे जी अदी जी सर को ये केतरे ॾींहनि ताईं माण्हू रखे पोइ खाई सघे थो हिनखे तव्हां पूरो साल ख़राब कोन थींदी अच्छा जी अदी पूरो साल ताईं रखी सघो था 2 साल बि रखी सघो था ख़राब कोन थींदी आहे छो की त ड्राई फ्रूट्स में हले थी न त सॼी दुनिया में वञे थी ॿाहिरि त हीअ ख़राब न थींदी माण्हू ठाहींदा आहिनि ठीकु आहे थैंक यू अलाह हाफ़िज़ अब ये हो गए हमारे लड्डू अब इसको हमने निकालना शुरू करना है ठीक है इसको भी निकालते हैं हार्ड हो गया बहुत आराम से ठीक है आराम से टूटे ना इस तरह देखें अभी आपके सामने निकाल के ये देखें आवाज़ आ रही होगी आपको ठीक है थोड़ी मेहनत होगी ले टूटे ना इस तरह आपने निकालना है ये देखें आराम से इसको निकालें अभी भी ये गर्म है ठीक है इसके पीसेस इस तरह तोड़ें ये इस तरह बनाता जा रहा हूँ टाइम बताइए कितना है ठीक है
ठीक है, इस तरह हल्का सा, अगर छोटे पीसेस भी निकल रहे तो छोटे पीसेस भी करके आप रख सकते हैं, ठीक है, और बड़े हैं तो फिर बड़े, बहुत एहतियात से इसको निकालना है। ये देखें पूरी निकल आएगी शीट, पूरी शीट निकली थी, मैंने तरीके से तोड़न था उन्हों, बल्कि इसका हम प्लेटर चेंज करते हैं, ये ज़्यादा है मेरे पास, बड़े प्लेटर में लगाते हैं। ठीक है, इस तरह मज़ेदार रेसिपी, सर्दियों के हिसाब से बहुत सारी आप बना के रखें, रात में अक्सर ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, शाम में चाय के बाद या रात को तो ये खाते हैं लोग। ड्राई फ्रूट्स डिफरेंट किस्म के आपको बनाना, ड्राई फ्रूट्स की भी चीज़ें हैं और भी बनाना सिखाऊंगा, हलवे हैं, मज़ेदार चीज़ें, तो ये बना के रखें, देखें कितनी सारी बन गई, इतनी बाहर से आप लें तो अच्छी खासी महंगी मिलती है, तो ये आपकी कम प्राइस में घर में बन जाती है। ठीक है, ॿाहिरां वठंदो त ये तव्हांखे महांगी पवंदी, घटि प्राइस में तव्हांखे पंहिंजी पाण ठाहियो घर में सुठी ठही वेंदी, त इन तरीक़े सां बसि ही काफ़ी आहिनि, बाक़ी पोइ बाद में ॾिसंदासीं। ठीकु आहे, ये हमारी हो गई कंप्लीट, इसको रखते हैं टेबल पे, और मज़ेदार चीज़ है, इंटरेस्टेड जो होते हैं लोग वो बना सकते हैं, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप इसको बनाएं ज़रूर और इसको इंजॉय करें। बस निकल रहा हूँ बाहर। ये नहीं, ये देखें तिल की चिक्की, ये मूँगफली की है, मूँगफली के मैंने छोटे पीसेस कर दिए थे, ठीक है, और तिल के लड्डू ये भी आपके सामने रखते हैं यहाँ पे, तिल के लड्डू आप इस तरह बनाएं, मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ये भी असा कंप्लीट थी वह तिल जो लड्डू, काफ़ी सारा ठाई सको था, ये चार अठ चार ॿारहं ठाया आहिनि, ठीक है, अञा तां इन में वधीक ठाही सको था, ये तकरीबन 12 बने, आप इससे ज़्यादा भी बना सकती हैं, तो इस तरह आप तिल ये लड्डू बनाएं, तिल के लड्डू भी बनाना सिखाऊंगा, अब नेक्स्ट वीक कोशिश करूंगा तिल के लड्डू भी आप लोग को बनाना सिखाऊं, तिल के लड्डू भी बड़े शौक से सब खाते हैं, तो सर्दियों में बच्चे भी शौक से बच्चों को भी दें तो बहुत अच्छी चीज़ है तिल की लड्डू। तो ये रेसिपीज़ कल रिपीट चलेंगी 12 बजे, कुकिंग विद शेफ संद्रा पेज में रेसिपी अपलोड हो जाएगी। वीडियो देखने के लिए सर्च करें सिंध TV HD कुकिंग शो, सिंध TV HD कुकिंग शो यूट्यूब पे सर्च करेंगी तो मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह सुभाणे 12 बजे रिपीट हलंदो, कुकिंग विद शेफ मुझे पेज है फेसबुक तन के लाइक कयो, वीडियो ॾिसण लाइ सर्च कयो सिंध TV HD कुकिंग शो यूट्यूब ते, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जो बटन दॿाइजो, लेटेस्ट अपडेट मिलंदी रहंदी। पंहिंजो कोर्स वारो ख्याल रखिजो, मथे हफ़्ते तव्हांजी काफ़ी सारी फरमाइशूं उहो बि पूरी कंदासीं, सियारे जी रेसिपीज़ बि ठाहींदासीं, दुआ में याद रखिजो। अलाह हाफ़िज़। हाणे कुकिंग विद फैसल जा तमाम शो ॾिसो HD क्वालिटी में, विज़िट करियो असांजो यूट्यूब चैनल सिंध TV HD कुकिंग शो।